शराब के ठेके खुले उन पे क्या कहिएगा? और शराब शराब अब आप तो देख ही रही हैं क्या हाल है, आज ही खुला है, कम से कम एक एक किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। बताइए हर आदमी, ये भी औरतें शराब पियेंगी, हम ये औरतें सब शराब पियेंगी, हम लोग शराब पियेंगे। आवाम को खाना चाहिए, पानी चाहिए, पानी मिलना चाहिए कि शराब के ठेके खुलने चाहिए? पानी मिलना चाहिए ना, पानी नहीं मिलता है, हम पानी से बहुत दुखी हो चुके हैं। दिया होगा ना केजरीवाल को वोट, दिया होगा जब दिया उनको दिया है। और योगीनाथ जी और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम हो रहा है, जो अपने पिता को अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तबलीगी जमात के कारण इतना सारा मतलब दिल्ली में बर्बादी हो गया, तबलीगी जमात ने हर जगह जाकर के जो है कोरोना वायरस को फैला दिया, और अब केजरीवाल ने जो है ठेके खोल दिए, क्या लगता है आपको संभाल पाएंगे? अब ये फैला नहीं रहे हैं, ये भी तो फैला ही रहे हैं ना पूरी तरह से, ये बीमारी का लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल दराज धर्म के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है, और ये सारी भीड़ मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि उधर भी दिखाएं, उधर भी देखिए कितनी सारी भीड़ यहाँ पे है, और ये लॉकडाउन का मंजर चल रहा है, तीसरे लॉकडाउन का पहला दिन और यहाँ पे इतने सारे लोग, और ये केवल मात्र इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे वाइन और बियर की शॉप खुल गई है। केजरीवाल सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि वाइन एंड बियर की शॉप खुलेगी, तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे लोगों की संख्या में भीड़ आ गई है। और आपको ये भी बता दिया जाए कि दिल्ली के सारे जितने भी जोन हैं वो सब के सब रेड जोन हो चुके हैं, फिर चाहे वो ईस्ट दिल्ली की ही बात क्यों ना कर लीजिए। फिलहाल हम लोग अभी ईस्ट दिल्ली में खड़े हैं, और ईस्ट दिल्ली पहले से ही रेड जोन है, और यहाँ पे लॉकडाउन का ये मंजर। कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, सर क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे? शराब के लिए खड़े हैं। शराब के लिए खड़े हैं, ठीक है। केजरीवाल सरकार जो ये लॉकडाउन का, आपको क्या लगता है अंकल जी, पालन हो रहा है लॉकडाउन तरीके से? हो रहा पालन तो नहीं हो रहा, ऐसे क्या लगता है दिल्ली बच पाएगी? मुश्किल। क्या बोलेंगे आप? दारू बंद कर रखी थी वो अच्छी थी। क्या कहिएगा? भीड़ मत लगाइए यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे एटलीस्ट भीड़ मत लगाइए, ठीक है। अब एक बात बताइए, केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहेंगे, इस समय वाइन बियर शॉप खोलना सही है? मतलब उनका ये देखा जाए, उनको देखा भी जाए तो जिस तरह से दारू जो मिली है, व्यवस्थित दारू के लिए बिचल भी रहे, किसी रिश्तेदार हैं किसी के नहीं है। अच्छा, रिश्तेदारों के कारण। अंकल जी भीड़ मत लगाइए यहाँ पे, इतने सारे लोग केवल मात्र दारू खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं और लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग, मतलब आगे पीछे हर जगह देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, छतों पे से लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अलग मंजर है। और पुलिस भी नहीं है यहाँ पे, एक भी पुलिस नहीं है यहाँ पे, जितने भी लोग देख सकते हैं आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं। किस लिए अंकल, क्या किस लिए खड़े हैं आप? शराब लेने के लिए। शराब लेने के लिए खड़े हैं। और लोगों से पूछते हैं आप किस लिए खड़े हैं? दुकान खोले थे, शराब लेने आए। दुकान खोले तो शराब लेने आए, प्रशासन का कोई डर नहीं है? डर तो है, लेकिन क्या करें, जब सारे पब्लिक खड़े थे हम भी यहाँ खड़े हैं। मतलब क्या बोलेगा केजरीवाल सरकार को, क्या बोलेगा इस समय इतना, मतलब 64 लोगों की मौत हो गई कोरोना वायरस से, और दिल्ली जो है कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है, शराब के ठेके खोल दिया, क्या कहिए? खोल दिया है तो सारे खोलना चाहिए कि गलत है कि सही ना हो? ये गलत है कि कोई खुलवाया? भैया क्या शराब लेने आए हैं? हाँ जी, ठीक है, सब यहाँ पे शराब लेना है। मैं ज्यादा देर वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अंकल जी आप किस लिए, आप भी शराब लेने? नहीं नहीं, शराब नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है अब ये लॉकडाउन में, आप देख रहे हैं इतना ज्यादा भीड़ लगी हुई है, खोलना नहीं चाहिए? खोलना नहीं चाहिए। केजरीवाल सरकार को क्या कहिए? गलत है, खोलना नहीं चाहिए वैसे। मतलब दिल्ली को चलाने में वो सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बताइए। सफल हो रहे हैं। असफल हो रहे हैं? हाँ जी। और क्या कहना, क्या चाहेंगे आप? पहली बात तो ये लॉकडाउन लॉकडाउन तक भीड़ मत लगाओ, भीड़ यहाँ पे मत लगाओ। तीसरे लॉकडाउन का पहला दिन और इतनी सारी औरतों ने भीड़ यहाँ पे क्यों लगा रखी है? आंटी यहाँ पे भीड़ किस बात की है इतनी सारी? पानी नहीं आता इसलिए थोड़े परेशान है, नहीं हाथ धो सकते बच्चे, नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं, नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोगों की भीड़ लगी हुई है, केजरीवाल सरकार का फेलियर है कि नहीं है ये बताइए? है उसमें? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? तो ये मैडम पानी आना चाहिए हमारा, देखो 5 ही दिन हो गए पानी नहीं है, बताओ क्या कर सकते हैं? ठीक है, मतलब जल जीवन बुरी तरीके से दिल्ली के अंदर व्यवस्था उसका बेकार होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, पीने को भी पानी नहीं है और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, उस पे क्या कहिए? हाँ जी हाँ जी सर, है ना, वे नहीं खुलने चाहिए मैडम। अच्छा, पीने को पानी नहीं है और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी हमें पानी चाहिए और ये ठेके वगैरह सब बंद कर दे बस ये वो बोल रहे हैं कि शराब के ठेके। मौलाना साहब आप क्या बोलेंगे कि पीने को पानी नहीं है और तो इकट्ठा हो रही हैं और शराब के ठेके खोल रहे हैं, केजरीवाल क्या कहिएगा? बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है, शराब खोल दिया, पीने सब थोड़ी पिएगा, पानी के बगैर लोग परेशान है, देख रहे हैं आपके सामने लोग ये परेशान है, बिल्कुल आधा घंटा कुल पानी आ रहा सुबह, आधा घंटा शाम को पूरे एरिया में, और पूछो
पहले ही तबलीगी जमात के कारण इतना सारा मतलब दिल्ली में बर्बादी हो गया। तबलीगी जमात ने हर जगह जाकर के जो है कोरोना वायरस को फैला दिया और अब केजरीवाल ने जो है ठेके खोल दिए। क्या लगता है आपको, संभाल पाएंगे? अब ये फैला नहीं रहे हैं, ये भी तो फैला ही रहे हैं ना पूरी तरह से। ये बीमारी का लोग पहले तो कोरोना से मर रहे थे, अब पानी से मरेंगे। कुछ लोग खाने भी लोगों को ढंग से नहीं मिल रहा, खाना भी जो मिल रहा है ऐसा मिल रहा है कि मुर्दे को खिलाओ जिंदा हो जाए, जिंदे को खिलाओ तो वो मर जाए। ऐसे ऐसे खाने आ रहे हैं एरिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने के ठेके खुले उन पे क्या कहिएगा? और शराब शराब अब आप तो देख ही रही हैं क्या हाल है। आज ही खुला है, कम से कम एक एक किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। बताइए हर आदमी, यदि औरतें शराब पियेंगी, हम ये औरतें सब शराब पियेंगी, हम लोग शराब पियेंगे। आवाम को खाना चाहिए, पानी चाहिए और वो टाइम से चाहिए है ना, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है आवाम, यहाँ बहुत परेशान है जी। आप क्या बोल रही हैं बताइए। पूरी लॉकडाउन 55 है 56 है 46 47 कहीं पानी है और कोई सुनवाई नहीं होती। दो साल में पानी कहीं नहीं आया, कहीं नहीं, बीच बीच में आता। ठीक है तो बोलिए ना, इसको बोलने से होगा? नहीं नहीं नहीं, सुनता ही नहीं है, हम इतना परेशान है पूरी। अभी तीसरे लॉकडाउन के दिन देखिए ये यहाँ पे औरतों ने, ठीक है, लॉकडाउन का उल्लंघन, हमारे आगे पानी आता ही नहीं है, पानी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, और पानी नहीं आता है लेकिन शराब के ठेके खोले जा रहे हैं तिलोकपुरी में, दो जगह यहाँ पे शराब के ठेके लेकिन खोल दिया, क्या कहिएगा? यहाँ से पुलिस जा रही है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतनी सारी यहाँ पे देख के पुलिस गई कुछ नहीं किया, क्या बोले? नहीं ये तो मैडम गलत है, लेकिन पानी तो आना ही चाहिए। शराब के ठेके खोलने पे क्या कहिएगा? ये तो गलत ही खोल रखे, कह रहे हैं तो ठेके गलत है ना। हाँ, बहुत। केजरीवाल सरकार को क्या दीजिए? केजरीवाल सरकार तो काम ही नहीं कर रही है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस को मतलब ठीक करने में पूरी तरीके से फेल, बिल्कुल बिल्कुल फेल है केजरीवाल, काम ही नहीं कर रहे जी कुछ भी। ठीक है चलो, आप क्या बोलिएगा अंकल? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो ठेके खुले, पानी मिलना चाहिए कि शराब के ठेके खुलने चाहिए? पहले खाने पीने वाली चीज जरूरी है। हाँ। हमारी छोटी सी दुकान है, वहाँ खोलने नहीं जा पा रहे हैं, 40 दिन से बैठे हैं। तो भी पूछते हैं पानी, अच्छा आप बड़ी देर से बोल रही थी, पानी मिलना चाहिए कि शराब के ठेके खुलने चाहिए? पानी मिलना चाहिए ना, पानी नहीं मिलता है, हम पानी से बहुत दुखी हो चुके हैं। दिया होगा ना केजरीवाल को वोट, दिया होगा जब उनको दिया है और क्या नहीं। अब आपको लगता है कि वोट के अधिकार है? वो सुनते ही नहीं है हमारी, उधर जाते सुनते ही नहीं है हमारी, कोई भी सरकार अच्छा काम कर रही है, यूपी सरकार योगीनाथ जी, और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम हो रहा है, जो अपने पिता को अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री? ये तो अब क्या बताए मैडम, अब तो गाली चल रही है ना, 40 दिन से बैठे हैं। अच्छा केजरीवाल जी तो हमारे सही है, तो दो साल से पानी क्यों नहीं आ रहा? दो साल से पानी क्यों नहीं आ रहा? वो जब बीच के सदस्य है वो नहीं आने देते ना। शराब के ठेके कैसे खुल गए उनके आदेश के बिना, ठेके कैसे खुल गए? हाँ वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात सही है। पीने के लिए पानी चाहिए कि शराब का ठेका खुलना चाहिए? चाहिए पानी, पानी चाहिए। केजरीवाल सरकार फेल हो रही है। हाँ फेल हो रही है, ठीक है चलिए धन्यवाद। हाँ क्या बोल रहे थे? ये बोलना चाहते हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, कब तक फेस करें? अब हम लोग नौकरियां करें या पानी के लिए भाग दौड़ करें? पीने के लिए पानी या फिर शराब के ठेके खुलने चाहिए, क्या बोलना चाहिए? चाहिए आज देख लो शराब के ठेकों पे कितनी भीड़ है, बिल्कुल हो ही नहीं रहा कुछ भी। लॉकडाउन का बुरी तरीके से फेल दिल्ली सरकार, हमारे तो बिल्कुल ही पानी नहीं है, शराब पीने को पानी नहीं है दिल्ली के अंदर, शराब के ठेके खोल दिया, क्या कहिएगा? हाथ गाय से तो हमें पानी तो होना चाहिए ना, पानी बिल्कुल ही नहीं है। केजरीवाल सरकार हर तरीके से फेल होते हुए नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले हम लोग आगे थे तो शराब के ठेके खुले हुए थे, धड़ल्ले से शराब बिक रहा था, और आपने देखा तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन में किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन, कोरोना वायरस को फैलाने की पूरी कोशिश, और केजरीवाल तरीके से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार को चलाने में और अपनी व्यवस्था को चलाने में पूरी तरीके से फ्लॉप, या फिर आप कह लीजिए पूरी तरीके से फेल। और केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री? ये तो अब क्या बताएं मैडम, अब तो गाली चल रही है ना, 40 दिन से बैठे हैं। अच्छा केजरीवाल जी तो हमारे सही है, तो दो साल से पानी क्यों नहीं आ रहा? दो साल से पानी क्यों नहीं आ रहा? वो जब बीच के सदस्य है वो नहीं आने देते ना। शराब के ठेके कैसे खुल गए उनके आदेश के बिना, ठेके कैसे खुल गए? हाँ वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात सही है। पीने के लिए पानी चाहिए कि शराब का ठेका खुलना चाहिए? चाहिए पानी, पानी चाहिए, पानी चाहिए। केजरीवाल सरकार फेल हो रही है। हाँ फेल हो रही है, ठीक है चलिए धन्यवाद। हाँ क्या बोल रहे थे? ये बोलना चाहते हो, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, कब तक फेस करें? अब हम लोग नौकरियां करें या पानी के लिए भाग दौड़ करें? पीने के लिए पानी या फिर शराब के ठेके खुलने चाहिए, क्या बोलना चाहिए? चाहिए आज देख लो शराब के ठेकों पे कितनी भीड़ है, बिल्कुल हो ही नहीं रहा कुछ भी। लॉकडाउन का बुरी तरीके से फेल दिल्ली सरकार,
हमारा तो बिल्कुल ही पानी नहीं है, शराब पीने को पानी नहीं है दिल्ली के अंदर, शराब के ठेके खोल दिया, क्या कहिएगा? हाथ गाय से तो वहाँ पानी तो होना चाहिए ना, पानी बिल्कुल ही नहीं है। केजरीवाल सरकार हर तरीके से फेल होते हुए नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले हम लोग आगे थे तो शराब के ठेके खुले हुए थे, धड़ल्ले से शराब बिक रहा था, और आपने देखा तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन में किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन, कोरोना वायरस को फैलाने की पूरी कोशिश, और केजरीवाल तरीके से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार को चलाने में और अपनी व्यवस्था को चलाने में पूरी तरीके से फ्लॉप, या फिर आप कह लीजिए पूरी तरीके से फेल।